चलिए बनाते हैं हरे मटर की दाल। तो हमने लिया है एक प्याज, एक टमाटर, अदरक 1 इंच, लहसुन लिया है हमने 10 से 20, हरी मिर्ची 2, सूखी मिर्च 2, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, जीरा लिया है, ये लिया है हमने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरे मटर लिया है 1 बाउल। तो प्याज को ऐसे काट कर लेना है, बीच वाला जो ये वाइट पार्ट होता है उसे निकाल देना है और छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है। देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लिया है। और ये लहसुन को हमें इसे कूट लेना है बारीक, और अदरक को, मिर्च को भी कूट लेना है। चलिए एक हमने कुकर लिया है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, हमने इसे कुकर में बनाया है तो झटपट बन जाती है। इसमें डाल दिया है जीरा 1 टेबल स्पून, तेज़पत्ता, दालचीनी के टुकड़े और हमने सूखी मिर्च को तोड़कर डाल दिया है, बड़ी इलायची डाल दी। चलिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, क्रैकल होने देते हैं जीरा को। इसमें हमें डाल देना है ये लहसुन, कुछ हमने कलिया को रख लिया था तो इसे डाल देंगे और प्याज को डाल दें जो हमने कट करके रखा था। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हमें इसमें ऐड कर देनी है मसाले। तो पहले डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का ये कुटी हुई पेस्ट। हमने डाल दिया है, इसे फ्राई कर लेंगे, थोड़ी देर चला लें। गैस को हमने मीडियम रखा है। अभी डाल देते हैं सूखे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर 1 चम्मच, ये हमने डाल दिया है धनिया पाउडर, देगी मिर्च 1/2 टेबल स्पून। आप अपने डाले कितना तीखा पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसे फ्राई कर ले, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर दिए ताकि सूखे मसाले जले ना, तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमने जो टमाटर कट करके रखा था उसको ऐड कर देनी है। इसमें डाल देना है नमक टमाटर में ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। इसको चला ले और ढक ढक कर पका ले। देखिए टमाटर कुक हो गई है, तो हमें इसमें ऐड कर देना है मटर, इसे चलाएं, चलाकर थोड़ा 1-2 मिनट के लिए भून ले, फिर से ढक दे, फिर से चलाएं। इसमें ऐड कर देना है पानी
तो आपको जितनी पतली रखनी है दाल आप उतने पानी डाल दें। हमने एक गिलास छोटी वाली गिलास से डाला है एक गिलास। लिड बंद कर दें, कुकर के ढक्कन लगा दें और एक विसल आने तक हमें इसे कुक करना है। चलिए देखिए एक विसल आ गया है, तो हमने गैस को बंद कर दिया है और ऑटोमेटिकली रिलीव होने दिया है गैस को। तो अब देखते हैं, दाल हमारी बिल्कुल डन हो गई है, पक गई है अच्छे से। चलिए इसमें ऐड कर दे रहे हैं कसूरी मेथी। आपके पास धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता ऐड कर दें, कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छा आता है मटर की दाल में, तो आपको जो पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दाल हो गई है रेडी। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो हमने एक बाउल लिया है, बाउल में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे पराठे चावल पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप छोले भी इसे बोल सकते हैं, हरे मटर की छोले दाल भी बोल सकते हैं। बहुत ही यम्मी बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।